राजधानी शिमला में शोघी के पास शुंगल में 708 मीटर की लंबी सुरंग के मंगलवार को दोनों छोर मिल गए। NHAI हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित की अध्यक्षता में सुरंग की ब्रेक थ्रू सेरेमनी हुई। टनल का निर्माण कार्य 2023 में शुरू हुआ था, अब 9 और टनल का निर्माण शेष है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। ढली से कैथली घाट के बीच फोरलेन निर्माण कार्य जोरों पर है। कैथली घाट से ढली फोरलेन के बीच में 10 किलोमीटर की 10 सुरंगों का निर्माण होना है, जिसमें एक सुरंग का निर्माण कार्य आज पूरा हो गया है। इस मौके पर NHAI के क्षेत्रीय प्रमुख अब्दुल बासित ने बताया कि सुरंग के निर्माण में 200 मजदूरों और 50 मशीनों की तैनाती की गई है। ये सुरंग डबल लेन की होगी, इससे आने जाने में आसानी होगी और यात्रा का समय भी कम होने के साथ साथ तेल की भी बचत होगी। क्या बोले NHAI के क्षेत्रीय प्रमुख अब्दुल बासित, सुनिए विस्तार से। शिमला बाईपास का पहला टनल है जिसका आज ब्रेक थ्रो हुआ है। ब्रेक थ्रो मीन्स के जिसमें दोनों सिरे मिले हैं, शुंगल टनल कहलाती है। और ये इससे जो है हमारा टाइम सेविंग भी है, फ्यूल सेविंग भी है और डिस्टेंस रिडक्शन भी है। और जो शहर के अंदर ट्रैफिक जाम लगता है वो सब अब ख़त्म होगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बन के तैयार होगा। इसमें इस टनल के ऊपर 5000 पेड़ थे और अगर ये टनल नहीं बनती तो कटिंग होती, हिल कटिंग के साथ साथ में हमें पेड़ों की भी कटिंग करनी पड़ती। तो इसको पर्यावरण दृष्टि से टनल जो हैं बहुत ही यूज़र पर्यावरण फ्रेंडली कहलाती हैं। इसमें हम लोगों ने 5000 ट्री सेव किए हैं, 5000 ट्रीज के साथ साथ में हम लोगों ने हिल कटिंग सेव की है। ये तो एक टनल पे किया है, अभी हमारी 9 टनल और बची हुई हैं। तो उसमें आप सोचिए कितना हम लोगों ने ट्री सेविंग की है इन्वायरमेंट की। दिसंबर 2026 में बन के तैयार होगा पूरा प्रोजेक्ट और इसमें बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। इसमें हमारे दो ब्रिज ऐसे हैं कि जिनके एक ब्रिज में पिलर की हाइट है 150 मीटर, 150 मीटर का मतलब दो कुतुब मीनार। और एक शकराल में ब्रिज बना रहे हैं, उसकी ब्रिज की जो पियर की हाइट है वो है 210 मीटर, 210 मीटर के मतलब करीब करीब 3 कुतुब मीनार के बराबर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना हम लोगों को चैलेंजिंग वे में काम कर रहे हैं। एक बन के तैयार होगा तो 2 से 2.5 घंटे हमें सेविंग होगी और करीब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस सेव होगी। तो आप जो टूरिस्ट है या शिमला के लोग हैं जो कैथली घाट से दिल्ली जा रहे हैं, तो उनका पेट्रोल कम से कम 2 से 3 लीटर डीजल या पेट्रोल की सेविंग होगी। बता दें कि परवाणु से कैथली घाट से ढली फोरलेन बनने के चलते शिमला से चंडीगढ़ के बीच यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। डबल लेन सड़क से कैथली घाट और ढली के बीच की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर 28.5 किलोमीटर रह जाएगी। दो चरणों में कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।